सारे नर नारी राम लक्ष्मण की प्रशंसा करते रह गए। अब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर रंगभूमि में अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं। देश देशांतरों के राजा भी अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब राजा जनक ने यह घोषणा कर दी कि कोई सूरवीर हो तो इस शिवजी के धनुष को तोड़कर मेरी प्यारी पुत्री सीता जी का पानी ग्रहण करें तथा इसे ब्याह कर ले जाएं। राजा जनक की बात सुनकर सभी राजाओं ने बारी बारी अपनी ताकत को आजमाया, लेकिन शिवजी का धनुष हिला भी नहीं। आखिर हार कर सभी बैठ गए। तब सभी नगर वासियों का चेहरा मुरझा गया। फिर जनक ने कहा, इस पृथ्वी पर कोई भी सूरवीर नहीं है जो धनुष को तोड़ दे। अब तो मेरी बेटी सारी उम्र कवारी रहेगी। यह बात सुनकर लक्ष्मण को गुस्सा आया, लेकिन राम ने रोक लिया। बड़े प्रेम से उसको बिठा दिया, समझाया। अब विश्वामित्र श्री राम को धनुष तोड़ने की आज्ञा देते हैं। उन्होंने आंखों से इशारा समझ लिया, भगवान राम धनुष को तोड़ने चलते हैं। कवि एक भजन के द्वारा किस प्रकार दर्शाते हैं कैसे बताया। चले चले हो चले श्री राम धनुष के तोड़ने को, चले चले हो चले श्री राम धनुष के तोड़ने को, चले चले हो चले श्री राम धनुष के तोड़ने को। जय हो। धनुष देखने आए हैं नर नारी,
रामचंद्र जी की जय।